तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती जाप क्या है, तथा प्रतिवर्ती क्रिया और की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ती है। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया हमारे समन्वय और नियंत्रण चैप्टर के 7वां चैप्टर में है, जो जिसमें एक हाथ दिखाया गया है और कुछ फिगर्स हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे। अभी उस फिगर पर भी चर्चा करेंगे, पर आपसे भी इसके बारे में बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती जाप क्या है। देखिए, जैसे एक ये कोई गर्म बर्तन है, देखिए ये कोई गर्म बर्तन है और इसमें समझो कि ये जल रहा है बहुत अधिक, और ये हमारा हाथ है। अच्छा, आप बताइए कि जब कोई हम गर्म वस्तु छूते हैं तो क्या होता है, हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है, यानी कि सेकेंड भर भी नहीं लगता और हमें पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे जो है कि बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है और हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है। मतलब कि वहाँ से हटने जो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पे उद्दीपन उत्पन्न होता है। उद्दीपन उत्पन्न होता है यानी कि यहाँ से जो त्वचा है ये हमें सूचित करती है कि नहीं, यहाँ पे जो बर्तन रखा है वह गर्म है, और ये तुरंत पीछे की ओर जाता है और वहाँ से सूचना लेकर आता है कि नहीं, ये बर्तन गर्म है, और हमारे हाथ को बताता है और तुम्हारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है। और इस गति को क्या कहते हैं, पेशी गति कहते हैं, यानी कि इसमें जो है कि पेशी गति हुई। और हमारे आँख से जब आँख में धूल चला जाता है, देखिए ये हमारी आँख है, और जब हमारी आँख में धूल चला जाता है तो क्या होता है, आँख से आंसू आता है। और आँख से आंसू क्यों आता है, तो वो धूल का कण जो है वो बाहर निकल जाए इसलिए आता है। तो क्या यहाँ पे कोई पेशी गति हुई, आँख से आंसू आया और धूल का कण बाहर निकल गया, यानी कि आँख को जो हानि होनी थी वो नहीं हुई। पर क्या यहाँ पर कोई पेशी गति हुआ, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि स्राव हुआ, यानी कि हमारे आँख में कई प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उनसे कोई तरल पदार्थ जो है स्रावित हुआ। तरल पदार्थ यानी कि जिन्हें हम आंसू कहते हैं वह स्रावित हुआ, और हमारे आँख में जो धूल कण गए हुए थे या फिर कोई किरौना या कुछ भी नहीं चला जाता है, साइकिल बाइक चलाते हुए मच्छर उच्छर, तो उनके बाहर निकालने के लिए हमारी ग्रंथियाँ जो हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया करती हैं, आँख से आंसू आता है और वो जो है कि जो गंदगी होती है हमारी आँख से बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया से ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है। मतलब कि प्रतिवर्ती क्रियाएं में ग्राही अंग, यानी ग्राही अंग क्या थे, मतलब वहाँ पे जो गर्म बर्तन था वहाँ पे ग्राही अंग क्या थे, त्वचा था। उसने बताया तो बताया कि प्रतिवर्ती क्रिया में ग्राही अंगों से सूची संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक जाती है और वहाँ से अभिक्रिया के लिए प्रेरित तंत्रिकाओं द्वारा अपवाही अंग तक जाती है, यानी कि दोबारा हाथ तक जाती है जहाँ पर वह गर्म बर्तन रखा गया है, और इस पद को ही प्रतिवर्ती क्रिया कर, यानी कि हाथ गर्म था तो वह तुरंत ऐसे के सूचित किया पीछे की तरफ गया, और यहाँ से जो है कि ये मेरुरज्जु है, मान लीजिए ये मेरुरज्जु, और यहाँ से लेके आया कि नहीं, ये जो बर्तन है हमारे लिए हानिकारक है, इससे हमारी त्वचा जल सकती है, तो फिर वहाँ से तुरंत ये सूचना आ गया यहाँ पर, तो और हमारा हाथ तुरंत हट गया, और इसी चाप को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। आपको आगे फिगर से समझाएंगे। देखिए क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई बिजली का तार है, हमने इसे तुरंत टच किया और तुरंत त्वचा से सूचना गया मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु से तुरंत सूचना आया कार्य अंग पेशी जो उसके बीच में, उससे तुरंत आ गया हमारे हाथ तक, और हमारा हाथ तुरंत पीछे हट गया। ठीक है, ये देखिए यही है प्रतिवर्ती चाप। देखिए ये कोई गर्म वस्तु है, हमारा हाथ इसे टच करता है, यानी कि देखिए त्वचा इसको ग्राह किया और इसको मतलब इसको पता हुआ कि नहीं ये गर्म है, और ये यहाँ से गया और यहाँ से तुरंत इसको वापस आ गया, यहाँ से वापस आकर तुरंत यहाँ पे बता दिया नहीं, जो वस्तु है वो गर्म है, हमारी त्वचा को हानि पहुँचा सकता है, और हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है। और यही जो चाप है यही हमारी प्रतिवर्ती क्रिया है, और प्रतिवर्ती क्रिया है और यही प्रतिवर्ती चाप है। अब बात करते हैं हमें प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। बात करते हैं हमें प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता है क्यों पड़ती है, तो कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु, बिजली या फिर आपको कोई चाकू चुभ हो रहा है, तो इसमें जो है कि हमारे जैसे कि शरीर में सूचना ग्राह कैसे होता, मतलब पहले कोई मतलब पैर में कोई कांटा चुभा
क्या होता है पता है आपको? पहले वो तंत्रिका तंत्र द्वारा मेरुरज्जु के पास जाता है, और मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है, फिर मस्तिष्क से फिर मेरुरज्जु के पास भेजा जाता है, फिर मेरुरज्जु से फिर तंत्रिका तक भेजा जाता है। तो फिर पता चलता है कि नहीं, हमें कोई कांटा जो है कि धंसा है पैर में। तो अगर विद्युत में इतना, अगर कोई बिजली चोता है अगर इतना वक्त लिया, तो विद्युत जो है हमें हानि पहुंचा सकता है, उस बिजली से हमें हानि सकता है, यानी कि हमारा खून बहुत ज़्यादा जल जाएगा या फिर हम झुलस भी सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत जल्दी से क्रिया करनी होती है, क्रिया करनी होती है, यानी कि जो सूचना है वो मेरुरज्जु से ही वापस आ जाती है, यानी कि वहाँ मस्तिष्क तक नहीं जाती, वह क्रिया जो है मेरुरज्जु से ही वापस आ जाती है। इसी क्रिया को हम प्रतिवर्ती चाप की आवश्यकता कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क तक वो सूचना नहीं जाती, मेरुरज्जु यानी हाथ की बगल में जो है मेरुरज्जु हमारे गर्दन के पास, वहाँ से ही वापस आ जाती है, हमारे मस्तिष्क तक नहीं जाती है। इसीलिए जो है कि अगर मैं हम ये क्रिया थोड़ा लेट होगा तो हमारी जो शरीर को छाती पहुँचा सकता है, यानी कि क्षति पहुँचा सकता है, और इसीलिए हम प्रतिवर्ती चाप की हमें आवश्यकता पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।